जय हिंद। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 13 नवंबर से 19 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम और यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाती है। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट्स 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मीन्स निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण को राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण के रूप में अधिसूचित किया है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने यहाँ नोटिफाई कर दी है। किसको? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देखते हैं ये वाली जो कावेरी वाली है, इसी को हम कहते हैं कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और आपको बता दें जो सेंचुरी है वो आपके नोटिफाई होता है किसके अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है कि आपका ये सेंचुरी जो होती है आपकी, ठीक है। और आपको बता दें जो कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि तमिलनाडु और विथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नेबरिंग कर्नाटका, इसको आपस में कनेक्ट करती है, आपस में ये कनेक्ट करती है। कौन सी? आपकी ये साउथ वाली जो है ना, ये वाली हिस्से जो ये वाली है, ये हिस्सा दोनों कनेक्ट करता है किसको? तमिलनाडु और कर्नाटका को, ठीक। चलिए आपको इसमें बता दूं, ये बहुत ही हैबिटेट है, एलिफेंट के हैबिटेट है, मतलब जो हाथी है, जो हाथियों के सर्वाइवल के लिए ये एरिया बहुत ही अच्छा है, इसलिए इनके हैबिटेट के लिए माना जाता है कि बहुत ही अच्छा एरिया बताया जाता है। कौन सा? ये कावेरी साउथ, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट जो है वो वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट इज द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन साउथ एशिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान दक्षिण एशिया में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान है? तो आपका ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, डी, आईआईटी मद्रास। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे, सॉरी, क्या गया, आईआईटी बॉम्बे आपका वो इंस्टीट्यूट है जो टॉप करा है, क्या नाम है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर। ये इंडिया में इसने टॉप करा है, आपको बता दूँ, ठीक है। तो इसमें जो आईआईटी बॉम्बे है वो बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रहा है साउदर्न एशिया के अंदर, वाइल्ड आईआईटी दिल्ली है उसे सेकंड रैंक मिली है, ठीक है। और ये आपका 15th एडिशन हुआ था किसका? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग का ये 15वां संस्करण हुआ था। तो याद रखिएगा, ये 15th एडिशन हुआ था जिसमें टोटल 757 इंस्टीट्यूट आए थे और ठीक है इसमें पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। और आपको बता दें इसमें जो टॉप 5 एशियन यूनिवर्सिटीज थी उसमें जो सबसे नंबर 1 पे आती है वो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, वहीं नंबर 2 की आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, नंबर 3 बीजिंग की यूनिवर्सिटी एक है, नंबर 4th में चाइना की हांगकांग यूनिवर्सिटी जो है उसे मिली है, और फिफ्थ पोजीशन है वो नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, उसे ये 5th पोजीशन मिली है। वहीं इंडिया में अगर देखा जाए तो टॉप करने की लिस्ट में कौन आया सबसे नंबर 1 पे इंडिया के अंदर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे है, सेकंड नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, तीसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु है, और 4th नंबर पर आईआईटी मद्रास है, 5th नंबर पर आईआईटी खड़गपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड बेली के एस फोर्ड मेडल 2022। मींस बेली के एस फोर्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव गुप्ता, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर सुभाष बाबू। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, डॉक्टर सुभाष बाबू। जी हाँ, डॉक्टर सुभाष बाबू जी को ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है बेली के एस फोर्ड। याद रखते हैं ये मेडल का फोटो है और ये हमारे डॉक्टर सुभाष बाबू जी हैं, इनको ये मेडल दिया गया है, ठीक है। चलिए आप बता दें
हमारे जो इंडियन फिजिशियन और साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर सुभाष बाबू, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही इन्हें एक अवार्ड मिला और मिला है जिसका नाम है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, ये अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एशियाज पावरफुल बिजनेस वुमेन 2022 लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, मीन्स फॉर्ब एशिया की पावर बिजनेस वुमेन 2022 की सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला सूची में शामिल है? तो आपके ऑप्शन रह गए अनीता अंबानी, रोशनी नादर, गजल अगल या फाल्गुनी नायर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गजल अगल। जी हाँ, गजल अगल इस लिस्ट में आई हैं। इसमें टोटल इंडिया की 3 फीमेल्स आई हैं, जिसमें नाम है इनके नमिता थापर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसकी, इंडिया बिजनेस ऑफ एमक्योर फार्मा की। वहीं गजल अलग जो कि को फाउंडर एंड चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं इसकी, ओनासा कंज्यूमर जो कि मामा अर्थ की पेरेंट फर्म है। वहीं आपको सोमा मंडल यहाँ पे तीसरी महिला रही हैं जो कि चेयरपर्सन है किसकी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसे हम कहते हैं सेल, ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है उसकी, ये क्या है चेयरपर्सन है। और ये ठीक, ये 3 महिलाएं हैं जो कि फोर्ब्स की पावरफुल बिजनेस लिस्ट में आई हैं। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता रखा है फॉर्ब्स में टोटल 20 वुमेन्स को फीचर करा है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में टोटल 20 वुमेन्स को चूज करा गया है, पावरफुल वुमेन्स को चूज किया गया है, उसमें हमारी इंडिया की कितनी, टोटल 3 वुमेन्स आई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन द मेन्स सिंगल्स पेरिस मास्टर्स 2022 टाइटल, मीन्स पुरुष एकल पेरिस मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन रखे हैं 4, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हॉगलर रून। जी हाँ, हॉगलर रून ने ये मेडल जीता है। आपको बता दें हॉगलर रून, जो कि आप देखते हैं ये फोटो उनका है, इन्होंने नोवाक डोकोविच को हरा के ये मेडल जीत, ये टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें जो हॉगलर रूड हैं ये टोटल 19 वर्ष के हैं, 90 ईयर्स ओल्ड के हैं ये, और ये यंगेस्ट, मतलब यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये टाइटल जीता है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये डेनिश प्लेयर हैं, डेनिश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने नोवाक डोकोविच को हरा के मेन सिंगल टाइटल 2022 का जीत लिया है। किसके, पेरिस, कहाँ जीता है, पेरिस के अंदर ये मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, और इससे पहले जो यंगेस्ट प्लेयर थे इनका नाम था बोरिस बेकर, 1986 में जो थे उन्होंने ये टाइटल जीता था इससे पहले उन्होंने। आपको यहाँ पे यंगेस्ट की बात किया जाता है, सबसे नौजवान जो थे, अब इनकी उम्र देख लीजिए आप कितनी है, 19 ईयर्स ओल्ड बस हैं ये हॉगलर रून, उन्होंने किसको हरा दिया, नोवाक डोकोविच को हरा के ये टाइटल जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड एडजॉइनिंग द यूएस कैपिटल, मीन्स अमेरिकी राजधानी से सटे मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन देखे हैं 4, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, अरुणा मिलर। जी हाँ, अरुणा मिलर जी को अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। आप देखते हैं ये फोटो उनकी है, ठीक है, और ये इंडो अमेरिकन अरुणा मिलर, इन्हें इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं किसकी, मैरीलैंड की। आपको बता दें ये पहली ऐसी साउथ एशियन वूमेन है जिन्होंने, जिन्होंने ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है अमेरिका के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंडक्टेड इन टू द ICC हॉल ऑफ फेम रिसेंटली, मीन्स निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपका ऑप्शन देखे 4, इसमें सी आंसर आपका है शार्लेट एडवर्ड्स। जी हाँ, शार्लेट एडवर्ड जी को हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली एड कर दिया गया है, इंडक्टेड कर दिया गया है। आप देखते हैं ये फोटो है हार्लेट, सॉरी शार्लेट एडवर्ड जी का, ठीक है, ये शार्लेट एडवर्ड जी हैं। इन्होंने आपको बता दें ODI टोटल 191 ODI मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 5992 रन बनाए हैं, और वहीं इन्होंने 2605 रन बनाए हैं 95 T20 मैचेस में, और 167 रन बनाए हैं किसमें, टेस्ट क्रिकेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिसीव्ड कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022,
मीन्स कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे मिला है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, अरफा शेरवानी। जी हाँ, अरफा शेरवानी जी का अवार्ड मिला है। आपको बता दें, गांधी पीस फाउंडेशन, जो हमारी जो गांधी पीस फाउंडेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है ये प्रेस्टीजियस अवार्ड, जिसका नाम है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022। वो किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अरफा कानून शेरवानी, इनको दिया जाएगा। ये कौन है? ये सीनियर एडिटर हैं किसमें? दीवार। ये दीवार एक, आप ये समझिए, न्यूज चैनल है, उसके ये क्या सीनियर एडिटर हैं, ठीक है। और कहाँ दिया गया है ये? तो ये दिया गया था न्यू दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये उसमें ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित करेगा 2023 के अंदर। और आपको बता दें, टोटल 4 सिटीज में ये मैच होंगे, 4 सिटीज के अंदर ये मैच होंगे जो कि खेले जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और कौन कौन सी सिटी होंगे? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, इन 4 सिटीज के अंदर टोटल मैच होंगे ये सारे जो टूर्नामेंट्स होंगे खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स के टूर्नामेंट जो होंगे इन चारों सिटीज के अंदर होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है वो? उत्तर प्रदेश है ये, तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? मीन्स अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ग्रे बार्कले। जी हाँ, ग्रे बार्कले जी बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मतलब आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं ग्रे जी, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के जो ग्रे बार्कले हैं, ये अपॉइंट कर रीइलेक्टेड के लिए, मतलब ये इनका सेकेंड टेन्योर है, ठीक है, ये इनका सेकेंड टेन्योर है इसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ये मतलब ये दूसरी बार जब रीइलेक्शन हुए थे इन्होंने इनके अपोनेंट पर कोई नहीं खड़ा था, खाली इकलौते यही एकमात्र ऐसे खड़े थे जो प्रेसिडेंट के पद के लिए आए, इसलिए इन्हें दोबारा अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, ठीक है। चलिए, और कितने साल के लिए? टू टर्म्स के लिए, सेकेंड ईयर, टू ईयर टर्म के लिए, मतलब 2 साल के लिए बने, खाली 2 ईयर्स के लिए बने ये। 2022 में बनाए गए, मान के चलो 2022 के अंदर बनाए गए, तो 2024 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे, उसमें फिर से किसी और को इलेक्शन होंगे। अगर तीसरी बार फिर जीत जाते हैं तो ये बना दिए जाएंगे दोबारा से, वरना कोई और बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशियन कंट्रीज? मीन्स आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आपका ऑप्शन दे रखें, तिमोर लास्ते, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, तिमोर लास्ते। जी हाँ, तिमोर लास्ते 11th मेंबर बन गया है आसियान देशों का, ठीक है। आप देखते हैं आसियान कंट्रीज में कौन, आसियान फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो आपको बता दें, आसियान फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म ये होती है आसियान कंट्री, आसियान की। और इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें आती है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस या ब्रुनेई, ठीक है। और आपके ये 10 मेंबर ये हो गए हैं, 10 मेंबर ये हो गए हैं। और 11th मेंबर कौन हो गया आपका? तिमोर लास्ते, ये आपके कौन सा हो गए? ये 11th मेंबर हो गए हैं, ठीक है। और आपको बता दें, जो इनकी जो ईस्ट तिमोर के जो ईस्ट तिमोर कंट्री है, जैसे आप देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है, इसके बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम ये यहाँ पर देखते हैं, ये पूरा कंट्री है, इसी को क्या नाम है, ये इस कंट्री का नाम है तिमोर लेस्ते, जिसका ये नेशनल फ्लैग है, इसी को 11th मेंबर बना दिया गया एशियन का, ठीक है। और इनके जो ईस्ट तिमोर जो ये वाला हिस्सा जो है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जोस रोमास होर्ता, इन्होंने क्या नाम है ये प्रेसिडेंट लिया है, ये मतलब इनके उसके प्रेसिडेंट हैं, आपको बता दें ये उनके प्रेसिडेंट हैं, और इन्हीं के द्वारा ये मेंबरशिप ली गई है। और बता दें, जो ये कंट्री है
तिमोर लेस्ते, इसकी एक स्टोरी है। इस पे कब्जा कर लिया था किसने? इंडोनेशिया ने, मतलब इंडोनेशिया ने इस पे कब्जा कर लिया था पहले, ठीक है। और इसका जो कब्जा था वो कब हटाया, कब हटाया, जब हमारा 1999 में यूनाइटेड नेशन ने रेफरेंडम कराया, मतलब एक तरह से चुनाव कराया, एक इलेक्शन कराया उस कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर एक चुनाव कराया जिसमें यहाँ के लोगों से पूछा गया क्या आप इंडोनेशिया का पार्ट बने रहना चाहते हैं या एक अलग देश बनना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो वोटिंग हुई उसमें मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम एक अलग देश बनना चाहते हैं। उसके बाद ये क्या है ना, यूनाइटेड नेशन ने इसे एक अलग कंट्री घोषित कर दी। आपको बता दें यूनाइटेड नेशन ने 2002 में इस कंट्री को, जिसका नाम है तिमोर, इसको एशिया की यंगेस्ट डेमोक्रेसी बना दिया गया, ठीक, बना दिया था कब, 2002 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द 7th एडिशन ऑफ द अमूर फाल्कन फेस्टिवल विल बी हेल्ड, मींस अमूर फाल्कन महोत्सव का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में 7th एडिशन आपको होगा अमूर फाल्कन फेस्टिवल का, ठीक है। आप देखते हैं अमूर फाल्कन जो चिड़िया वो होता है बाद, उसका फेस्टिवल होगा ये, ठीक है। आपको बता दूँ जो मणिपुर फॉरेस्ट अथॉरिटी है ये सेलिब्रेट करेगी क्या 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल, कहाँ पे, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो कि इम्फाल के अंदर है। और आपको बता दें इम्फाल कैपिटल है किसकी, मणिपुर की। और साथ ही ये फेस्टिवल अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया जाता है, किसके लिए, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अमूर फाल्कन। तो अमूर फाल्कन जो आपको मैंने अभी फोटो दिखाया, ये अमूर फाल्कन का फोटो है, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और आपको बता दें अमूर फाल्कन जो पक्षी है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी दूरी पर पक्षी उड़ान भरता है। तो यही है फाल्कन पक्षी है, अमूर फाल्कन है, जो कि माइग्रेट करता है एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, या कहते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, ठीक है। आपको बता दें इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 2015 के अंदर हुआ है, और अभी 2022 में इसका कौन सा 7th एडिशन हुआ है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेडल हैज लवलीना बोरगोहेन वॉन इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, मींस एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। जी हाँ, गोल्ड मेडल जीता है किन्होंने, लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है। आप देखते हैं ये फोटो इनकी है, लवलीना बोरगोहेन, और इन्होंने जो उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं जिसका नाम है रुजमेटो सोखीबा, उन्होंने 5-0 से हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया है, कहाँ पे, अमान जॉर्डन के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ था, कौन सा, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 हुआ था, उसमें जीता है, ठीक उन्होंने क्या। और आपको बता दें ये लवलीना बोरगोहेन है, ये जो ओलंपिक गेम्स हुए टोक्यो के अंदर वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ प्रसार भारती, मींस प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं रमेश केजरीवाल, गौरव द्विवेदी, गोपाल मित्तल और ऋतुराज अवस्थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी। जी हाँ, गौरव द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ प्रसार भारती, या फोटो देखते हैं इनको। आपको बता दें गौरव द्विवेदी जी एक सीनियर IAS ऑफिसर है, और ये बन गए हैं CEO ऑफ, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं प्रसार भारती के, और ये 1995 बैच के चंडीगढ़ कैडेट के IAS ऑफिसर हैं, और इन्होंने 5 साल के लिए ये क्या नाम है, ये जो CEO की पोस्ट है वो इन्हें मिल गई है। इससे पहले ये CEO थे किसके, माई जोवी इंडिया के CEO थे, पर अब किसके बन गए हैं, अब बन गए हैं प्रसार भारती के। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है शशि शेखर वेम्पति जी को रिप्लेस किया उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछ जा सकता है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसीव्ड द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, मीन्स किस भारतीय राज्य को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। तो सी आंसर आपका है
ऑप्शन डी केरल। जी हाँ, केरल को ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड किसे, वर्ल्ड मार्ट द्वारा। और ये अवार्ड मिला किसे है, ये अवार्ड मिला है केरल टूरिज्म को, ये अवार्ड मिला है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। और कहाँ पे दिया गया है, लंदन के अंदर ये अवार्ड, लंदन में ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है वो रिसीव किया है केरला के स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर, जिनका नाम है पीए मोहम्मद रियाज, उनके द्वारा ये क्या नाम अवार्ड रिसीव किया गया है लंदन के अंदर। और ये अवार्ड मिला है, इनका जो प्रोजेक्ट है स्ट्रीट प्रोजेक्ट है उसके तहत उन्हें इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर ये पूरा एक स्ट्रीट प्रोजेक्ट इनका चलाया हुआ है केरला टूरिज्म द्वारा, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इनका जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपका आता है सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरियंशियल एथिक्स एंड टूरिज्म हब्स, ये आपका इनका इसमें इनिशिएटिव है, मतलब मोटो है इस स्ट्रीट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, आपको आ दें जो केरला टूरिज्म की एक टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है, गॉड्स ओन कंट्री, मतलब भगवान की अपनी खुद का देश। ठीक है, भगवान का अपना देश इसे कहते हैं, क्या भगवान का अपना देश, ये क्या है, ये इनका टैगलाइन में स्लोगन है इसका केरला टूरिज्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, मींस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है। तो आपका ऑप्शन दे रहे हैं चार, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन ए शरत कमल अचंता। जी हाँ, शरत कमल अचंता जी, आप देखते हैं फोटो उनका, इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और आपको पूरी लिस्ट दे दें तो आपके देखिए विनर लिस्ट आपके याद रखें, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये अचंता जी को मिला है, शरत कमल जी को मिला है, वहीं अर्जुन अवार्ड ये इन प्लेयर्स को मिला है, ये लिस्ट दे रखी मैंने। और अर्जुन अवार्ड मिलता किसके लिए है, तो अर्जुन अवार्ड मिलता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, वहीं आप देखेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, जो कोच होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी जो अवार्ड होता है वो ये रहा। ठीक है, और जो ध्यानचंद अवार्ड होते हैं वो दिए जाते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिए जाते हैं, किसके अंदर, स्पोर्ट्स और गेम्स के अंदर, उनको ये उनकी लिस्ट ये रही, सबकी ये दे रखी है मैंने। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 का उसकी लिस्ट ये रही है। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो खेली गई वो किसे मिली है इस बार, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिली है। ये सबकी लिस्ट दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर जरूर एक बार नज़र मार लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हु विल बी प्रेजेंटेड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मीन्स सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है कार्लोस सोरो, राज कपूर, गुरुदत्त या महबूब खान। तो सी आंसर आपका है कार्लोस सोरो। जी हाँ, कार्लोस सोरो जी को 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका नाम है सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये उनका फोटो है कार्लोस सोरो जी का। आपको बता दें ये वो स्पेनिश फिल्म मेकर भी हैं, और साथ ही ये आपको बता दें मल्टीपल कैरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड 8 फिल्म रेट्रोस्पेक्टिव एट IFFI। ठीक है, आपको बता दें इन्होंने को गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड बियर है किसके, बेस्ट डायरेक्टर के गोल्ड बियर है किसके, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डेस्परेन की मूवी है उसके लिए। और 2 सिल्वर बियर्स मिले हैं लकाजा एंड पेपरमेंट फरापे के। ठीक, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट पैसा एक्ट कम इन टू फोर्स ऑन 15 नवंबर, मीन्स 15 नवंबर से पैसा अधिनियम किस राज्य में लागू होगा। तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लागू होगा पैसा एक्ट, और पैसा एक्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया है। और इसकी फॉर्म क्या है, पैसा की फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, मतलब शेड्यूल्ड एरिया तक पंचायत को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये किसके लिए लाया गया, इसका जो एम है वो एम है प्रिजर्व करना चाह रहे हैं किसको, ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है फॉर
एक्सप्लोइटेशन, मतलब उनको एक्सप्लोइट ना किया जाए इसलिए उसको प्रिजर्व रखा जाए, उनकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ की, जो है लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ की जो ग्राम सभा है उसमें उनका एक्टिव एनरोलमेंट रहा है, उनकी मतलब योगदान रहा है उनकी ग्राम सभा के अंदर, इसलिए ये पैसा एक्ट लागू किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय शिव नरवाल एंड सागर दांगी इन दी एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप, मीन्स एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर दांगी ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ दीज। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। जी हाँ, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसने फोटो है दोनों के, इन्होंने 10 मीटर मेन्स पिस्टल कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पे हुआ था ये? साउथ कोरिया के अंदर ये टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पे इन्होंने ये एशियन एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और आपको बता दें जो पहला मॉडल था, इंडिया का जो पहला मेडल था, वो पहला मेडल आया था 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन के में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इट्स रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, मीन्स जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो आपका ऑप्शन है 8, 11, 15, 16। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, 8th रैंक इंडिया के इसमें रहा है। आप देखते हैं ये इसमें जो आप देखते हैं इंडिया, इसे रैंक 8th रैंक नहीं, इसे ग्रीन कर दिया गया है। वहीं जो आपके रेड कलर वाले कंट्रीज हैं, इन्हें बहुत ही हाई रैंक, मतलब लो, इन्होंने जो परफॉर्मेंस है बहुत कम, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बहुत खराब परफॉर्मेंस किया आप समझ लीजिए, जो कंट्रीज हैं उनको रेड कलर में दिया गया है। देखो बाकी सब कंट्री जो आपकी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन सबको रेड कैटेगरी में डाला गया। वहीं इंडिया हो गया, डेनमार्क हो गया, इन सबको ग्रीन कैटेगरी में डाला गया है। ठीक, चलिए आपको बता दें जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसे रिलीज किया गया है किसके द्वारा? 3 इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका नाम है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, मतलब कैन जो है इंटरनेशनल, इनके इन 3 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें से इंडिया को कौन सी रैंक दी गई है? तो इंडिया को इसमें 8th रैंक दी गई है, और कितने में से? आउट ऑफ 63 कंट्रीज में से इंडिया को रैंक दी गई है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? तो आपको बताया नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कैसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, अरविंद विरमानी। जी हाँ, अरविंद विरमानी जी को अपॉइंट किया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। और लेते हैं फोटो उनका है, अरविंद विरमानी जी का। आपको बता दें नीति आयोग फुल फॉर्म, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ये प्लानिंग कमीशन हमारी है, इंडिया का एक थिंक टैंक है जो काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसके चेयरपर्सन है वो कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? PM मोदी। ठीक है, चलिए आगे आपको जानकारी दे दें, जो अरविंद विरमानी है इन्हें अपॉइंट कर दिया गया फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, और उनके साथ ही और भी मेंबर हैं जैसे कि VK सरस्वत, रमेश चंद, VK पॉल, इन ये भी फुल टाइम मेंबर है किसके? नीति आयोग के। वहीं सुमन वैरी जी वो है वाइस प्रेसिडेंट किसकी? वाइस चेयरमैन है किसकी? नीति आयोग की। और जो परमेश्वरम जी हैं ये कौन है? ये CEO हैं किसके? नीति आयोग के। और आपको बता दें जो श्री अरविंद विरमानी जी हैं ये फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं किसके? फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो, मीन्स इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन है विक्रम S, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, विक्रम S। जी हाँ, विक्रम S एक प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक रॉकेट है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश से। और आपको बता दें ये जो रॉकेट है विक्रम S, ये आप देखते हैं फोटो है विक्रम S रॉकेट का, ये रॉकेट बनाया गया है एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है Skyroot। ठीक है, Skyroot इसके द्वारा ये रॉकेट बनाया गया है, और इसकी जो हेल्प है Skyroot कंपनी है, ये कंपनी 2018 में फाउंड की गई थी इसरो के एक्स इसरो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है,
ये कंपनी बनाई गई थी स्काई रूट, और स्काई रूट ने जो हमारी इसरो और एक इनस्पेस कंपनी है इसके साथ इनकी हेल्प से ये विक्रम एस क्या नाम रॉकेट बनाया है, जो कि कल मतलब 18 नवंबर को इसका लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुल लॉन्च रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और जो एल्टीट्यूड है मतलब कितनी एल्टीट्यूड तक गया था, ये 89.5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक गया था। उसके बाद ये रॉकेट वापस बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर गया। ठीक, तो ये खाली टेस्ट किया गया था, यहाँ कोई वो ये थी ना कि सेटेलाइट वहाँ भेजा गया, सेटेलाइट कुछ नहीं, खाली एक टेस्ट था, ये खाली चेक करने लिए क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, आपको बता दें जो ये पूरा मिशन था, इस पूरे मिशन का जो नाम था वो नाम था प्रारंभ। ये प्रारंभ इस पूरे मिशन का टाइटल था, तो याद रखिएगा आपसे प्रारंभ नाम पूछा जा सकता है कि क्या है, तो ये प्रारंभ नाम है किसका, जो विक्रम एस क्या नाम है लॉन्च किया गया है रॉकेट, इस मिशन का नाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड, मीन्स कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो आपका ऑप्शन है जापान, रशिया, यूएसए, इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया क्रूड स्टील का। टोटल 111.2 मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते हैं क्या नाम है क्रूड स्टील। वहीं चाइना नंबर वन पे है और जापान थर्ड नंबर पे, यूएसए फोर्थ और साउथ कोरिया फिफ्थ नंबर पे है। आपको बता दें चाइना वर्ल्ड का टोटल 57% प्रोड्यूस करता है। आप समझ लीजिए चाइना वर्ल्ड का 57% क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य के जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जगह है, वहाँ पे इंटरनेशनल गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये 19 नवंबर मतलब कल से 6 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, और आपको बता दें हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है उनका वो इस महोत्सव में आयोजित पार्टिसिपेट करेंगी, और साथ ही वहाँ के जो गीता यज्ञ होगा एट ब्रह्मा सरोवर उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, आपको बता दें इंटरनेशनल नेशनल स्कॉलर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एंड रिसर्चर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड अवॉर्ड, मतलब नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलर्स और रिसर्चर्स आएंगे, वो अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे किसके ऊपर, वर्ल्ड पीस एंड हारमोनी विद द इंस्पिरेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, इसके ऊपर क्या है अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे इस महोत्सव के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोगों में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है शरद कमल, हरनीत देसाई, मानव थक्कर या मनिक पत्रा। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, शरद कमल। जी हाँ, शरद कमल जी को इंक्लूड कर लिया गया है इसके अंदर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट कमीशन के अंदर। ठीक है, आप देखते हैं फोटो है शरद कमल जी का। आपको बता दें ये स्टार इंडियन पेडलर जिनका नाम है अचानक शरद कमल, ये पहले प्लेयर बन गए हैं जो कि इलेक्ट किए गए हैं एथलीट कमीशन कम ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। और इसमें आपको बता दें 7 से 13 नवंबर के बीच में एक ऑनलाइन इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर टोटल 10 एथलीट्स को इलेक्ट किया गया था फॉर 4 ईयर्स, मतलब कितने का, तो 4 साल के लिए 2022 से 2026 के लिए। और 8 एथलीट्स वर इलेक्टेड फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियानिया रीजन एंड 2 वर हाईएस्ट वोटेड पैर एथलीट्स। ठीक है, और आपको बता दें ये आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इसे 1926 में फाउंड किया गया था, और आपका जो जितने भी टेबल टेनिस के वर्ल्ड कप होते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं ये सब इनके द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें।
जय हिंद।